सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में हम आपको लेके चलने वाले हैं बिहार म्यूजियम, जो कि पटना के बेली रोड में है। लेकिन उससे पहले मेरी पिछली वीडियोस पे ढेर सारा प्यार दिखाने के लिए आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। ऐसे ही लगातार अपना प्यार दिखाते रहिए, आपका भाई आपके लिए बहुत सारी प्यारी प्यारी वीडियोज़ लाते रहेगा अपने चैनल पर। सो गाइस, तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। गाइस, आप अगर चैनल पे नए हैं तो रेड वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, बेल आइकन को दबा देंगे ताकि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलता रहेगा। गाइस, हेलो गाइस, और सुबह के हो चुके हैं 11:30। अभी हम लोग निकलने वाले हैं बिहार म्यूजियम के लिए, तो हम लोग हो चुके हैं रेडी। देखिए, अंशु भी रेडी हो गया, पूरी तरह से एकदम ब्लैक 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 पहना हुआ है। हम भी हो चुके हैं रेडी, तो गाइस चलते हैं। पहले तो कुछ नाश्ता करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम बिहार म्यूजियम पे। तो गाइज, आप देख सकते हैं ये है बोरिंग रोड चौराहा। सामने आप लोगों को दिखा दूं मैं पूरी तरह से, ये बोरिंग रोड चौराहा है। सो गाइज, तो ये है हमारा बिहार म्यूजियम, जहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं। बस आपको थोड़ा सा बाहर का नज़ारा दिखा दें। ये जो रास्ता है बोरिंग रोड चौराहा की तरफ जाता है, और बिल्कुल ठीक सामने इसके है आपका ये म्यूजियम। तो गाइस, आप देख सकते हैं ये हमारा है बिहार म्यूजियम। बस थोड़ी देर में इसके मेन गेट पे हम लोग पहुंचने वाले हैं। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये साइड में जो पार्क का सीन है, गजब ही मजा आ जा रहा है बिल्कुल देख के ऐसे। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बिहार म्यूजियम। आप इसे देख सकते हैं, ये म्यूजियम बहुत ही शानदार म्यूजियम है, हमारे बिहार का एक तरह से गौरव ही है पूरा इधर। तो अभी हम लोग इधर से जाने वाले हैं तो गेट से अंदर, और अंदर जाके लेने वाले हैं टिकट, और फिर आपको अंदर का सारा नज़ारा एकदम दिखाएंगे। तो गाइस मिलते हैं आपको अंदर। तो गाइस, हमने टिकट भी ले लिया, टिकट की कीमत मात्र 100 रुपये है। सो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं अंदर, और अंदर का नज़ारा आप देख ही रहे होंगे, चारों तरफ बिल्कुल शांति ही शांति है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये म्यूजियम। आपको दिखा दें हम, गाइस देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत म्यूजियम है, बहुत खूबसूरत नज़ारा। सो गाइस, अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं चिल्ड्रंस कॉर्नर में, और सामने आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत नज़ारा है। ये पेड़ के ऊपर जो चीज़ें टंगी हुई हैं, सामने गौरैया है, मैप बना हुआ है बिहार का, इंडिया का मैप। और अभी आपको दिखा दें ये जो इंडिया का मैप बना हुआ है, इस मैप में सारी चीज़ें अच्छे से डिस्क्राइब की गई हैं। बगल में गौरैया भी कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत लग रही हैं। ये जो सामने में तस्वीरें लगी हुई हैं बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं, और ये बिहार का मैप जो पूरे बिहार को डिस्क्राइब कर रहा है।
सो गाइस आप देख सकते हैं ये नज़ारा, लिटरली मेरे को तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये म्यूज़ियम बहुत ही शानदार है। ये जो इमेज गैलरी आप देख रहे हैं, इसमें सारी तस्वीरें कुछ अलग ही तरह की खास खास तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में जैसे जैसे मैं कैमरे का एंगल बदल रहा हूँ, वैसे वैसे इस तस्वीर का एक्सप्रेशन भी बदल रहा है। तो वाकई में गाइस बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर है। अभी आपको और भी दिखाता हूँ। ये देखिए, ये जो पैरट है इसकी भी तस्वीर आप देख सकते हैं। सो गाइस ये आप मिथिला पेंटिंग देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पेंटिंग जो LED से दर्शाया गया है। बहुत ही शानदार पेंटिंग लग रहा है ये। आगे बढ़ते हैं हम ज़रा सा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो है शायद मौर्यन काल की चीज़ें दिखाई जा रही हैं। ये सिक्के देख सकते हैं आप, ये बहुत ही पुराने सिक्के जो कि शेर शाह सूरी के बाद के सिक्के हैं ये सारे। आप ये देख सकते हैं सामने में, ये सिक्कों का पूरा भरा हुआ संदूक है जिसमें सबसे पहला रुपया यानी कि द फर्स्ट रुपी जो है इसी टाइप में था जिसको रखा गया इसमें। ये देख सकते हैं शेरशाह सूरी के समय का, जहाँ पे सारे लोग एक साथ जहाँ पे बैठ के बातचीत करते थे। तो गाइस बहुत ही खूबसूरत है ये। अंशु बाबू पूरा मैप पे एकदम मुआयना कर रहे हैं पूरे अपने राज्य का, राजा बनना चाहते हैं अंशु बाबू एक्चुअली आके। तो देख रहे हैं वो चारों तरफ मैप पे मुआयना कर रहे हैं उनके अपने राज्य का, क्या क्या चीज़ें कमी है यहाँ पे। ये कुआं है भाई, क्या देख रहे हैं? कुछ करने से क्या होता है? कैमरा क्या लिए लगा फिर इसमें? कितना खूबसूरत लग रहा है ये, सब में अलग अलग तरह के दिख रहे हैं हम लोग, सारे ग्लासेस में अलग अलग तरह के दिख रहे हैं। ये देखिए कैसे दिख रहे हैं हम गायब हो जा रहे हैं। ये देखिए कैसे दिख रहे हैं, इसमें कैसे दिख रहे हैं हम लोग, ये वाले शीशे में एकदम चपटे चपटे जैसे। देखिए चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को कैसे राजा बनाया, यहाँ पे पूरा तस्वीर आपके सामने है, देख सकते हैं। अपना परिचय दीजिए, नाम लिखिए अपना। हाँ अंशु बाबू नाम लिख रहे हैं अपना। AN ठीक है, SHU क्या लिखे हैं? अब तो इसका निर्णय तो मैं करूँगा, ये रही पहली चुनौती। चुनौती मिली है, क्या करना है? एक कुशल शासक को पता होना चाहिए कि उसके राज्य में क्या चल रहा है। हर एक ने अपने बाजू पर मगध का पिंच किया। पांच गुप्तचरों को छूकर हटाइए, आपके पास 90 सेकंड है, स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। गुप्तचर है, कौन कौन गुप्तचर है? एक भाई गुप्तचर है, तो हटाइए, छूइए और हटाइए, पता नहीं वैसे हटेगा। गुप्तचरों की पहचान, हाँ जी गुप्तचर को पहचान लिया सर। राजा बनने की खूबी है, अच्छा राजा बनने की खूबी है गुप्तचरों को पहचान रहे हैं। खोज में जो खुद की धुन में, मुझे लगता है तुम उसी खोज में जो खुद की धुन पर नाचता है। सर ये नहीं है, ये रहा है गुप्तचर। हाँ ये है, ये है, ये है। सिंहासन कितना बढ़िया लग रहा है अंशु, कितना बढ़िया लग रहा है सिंहासन। हम भी चल रहे हैं उस पर बैठने। बैठिएगा ना, चलो। सो गाइस आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है ये चारों तरफ। आपको ऊपर से नीचे ये चारों तरफ का नज़ारा देख लीजिए। ये ऊपर में पेड़ पे बना हुआ है, ये घोंसले टाइप का बना हुआ है। ये अंशु बाबू अभी सुन रहे हैं म्यूज़िक। ये द्वार है, एकदम किला है, बिल्कुल बहुत ही शानदार लग रहा है ये सारा तस्वीर। हमें देख सकते हैं बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं जो इन सबको और ज़्यादा खूबसूरत बना रहे हैं इन सारी सीन को। ये सामने में आर्टिफिशियल गेंडा यानी कि राइनो लगा हुआ है। तो गाइस दिखाते हैं और भी आपको सारी। अंशु ही कहाँ है? क्या ये अंशु? अच्छा टेंट वाला है, वो मिटा लेंगे भैया।
अंशु पकड़ लो तो सांप पकड़ो, पकड़ लो एकदम, मार मारो उसको। क्या देख रहे तो गाइज एक्चुअली वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती तो मैंने वीडियो को पार्ट वाइज अपलोड करने सोचा, जो कि प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो गाइज आप बताएंगे कि इसके बाद नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो कब अपलोड करेंगे, तो कमेंट में बताएंगे। गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय बाय।